ऐसी विधि कोई न लावे, सो अविगत सो टहल करावे, सो अविगत सो टहल करावे। इस प्रकार से सब प्राणियों में आप भगवान को देखने लगो तो भगवान आपके घर में झाड़ू चौका बर्तन करने आ जाए, आपके सेवक बन जाएंगे भगवान। ऐसा हुआ है, भगवान सेवक बने। महाराज जी, बहुत पुरानी बात नहीं है, पैठण के महान संत, महाराष्ट्र के महान संत श्री एकनाथ जी महाराज, जिनको शांति ब्रह्म कहते हैं, महापुरुष ऐसे श्री एकनाथ जी महाराज समस्त प्राणियों में भगवत भाव का दर्शन करते, सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन। बहुत प्रसिद्ध है उनके बारे में कि गंगोत्री से, गोमुख से गंगा जल लेकर रामेश्वरम चढ़ाने जा रहे थे और मार्ग में उन्होंने देखा कि गधा गर्मी से व्याकुल होकर के रेत में तड़फ रहा है। तब आपने कहा कि रामेश्वर भगवान तो इसी से तृप्त हो जाएंगे। रामेश्वराय नमः कह के गधे के मुंह में, कांवर में जो गंगा जल लेके आए थे चढ़ाया, लोग कहने लगे गर्मी चढ़ गई है माथे में, पागल हो गया है, बताओ कहाँ से पैदल चल के गंगा जल लेके आ रहा था, गधे को पिला दिया। पर सबसे पहला गंगा जल रामेश्वरम में एकनाथ जी का स्वीकृत हुआ। उन एकनाथ जी के घर में केशव राम जी महाराज 36 वर्ष तक भगवान श्री खंडिया नाम के नौकर के रूप में 36 वर्ष तक भगवान उनके घर में रहे। एकनाथ जी वृद्ध हो गए थे तो उनकी सेवा पूजा में भी सहयोग करते थे, पत्थर पे चंदन घिसते थे ठाकुर जी, गोदावरी जी से जल भर के लाते थे। वो चंदन घिसने की जो सिलवट है, पत्थर है, सिलोटी कहते हैं, वो अभी भी रखी हुई है जिस पर ठाकुर जी अपने हाथ से चंदन घिसते थे। कितने वर्ष थे बाकी महाराज जी? एक दो वर्ष नहीं, एक दो महीना नहीं, 36 वर्ष भगवान ने नौकर बनकर सेवा की। कितने प्रमाण है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।